भाइयों और बहनों, मैंने सुना आज यहाँ बहुत जोर से बारिश हुई थी, फिर भी आप यहाँ बैठे हैं। मंच जल्दी जल्दी सुबह फिर से बनवाया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री गुलाम अहमद मीर जी, श्री राजेश ठाकुर जी, श्री प्रदीप यादव जी, श्रीमती दीपिका पांडे जी, श्री बादल पत्रलेख जी, श्री इरफान अरसारी जी, श्री सुरेश पासवान जी, श्री दिनेश यादव जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। जोहार झारखंड, बाबा वैद्यनाथ जी की जय, बाबा वासुकीनाथ जी की जय। यहां से जो ये क्षेत्र है, यहां से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आपने भी सुना होगा पंडित नेहरू जी की समय से, जब मोतिया डुमरिया गांव के एक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, तो आपने ये कहानी सुनी होगी। सुनी है? क्या सुना है? कि पंडित जी को बुलाया था अपनी बेटी की शादी में। उस समय बहुत दिन लगते थे पत्र को पहुंचने में, तो पता नहीं वो पत्र पहुंचा था कि नहीं, लेकिन ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा था, तो सबने सोचा शायद पंडित जी आ रहे हैं। उस समय शायद पंडित जी नहीं आए, लेकिन आज मैं आ गई हूं उनकी जगह में। बहुत सालों बाद इंदिरा जी के दिल में बाबा वैद्यनाथ जी के लिए बहुत श्रद्धा थी, और आपके पूरे समुदाय के लिए बहुत श्रद्धा थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो एक बार मेरे माता पिता 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए थे कहीं घूमने, तो मैं अपनी दादी जी के कमरे में सोती थी, और रोज रात को वो मुझे सुलाने से पहले कहानी सुनाती थी। और उनकी एक सबसे उनको जो पसंद थी वो किताब थी, एक आदिवासी मछुआरे की कहानी थी, और हमको हर रोज रात को मुझे वो कहानी सुनाती थी। और सुनाते सुनाते मुझे आपकी संस्कृति के बारे में सिखाती थी। कहती थी कि किस तरह से आप पेड़ों के पौधों की एकदम अच्छी तरह से आप किस तरह से देखभाल करते हैं। बताती थी कि कैसे आपकी संस्कृति में जंगलों और नहरों और नदियों का आदर होता है। बताती थी कि कैसे आप जिस तरह पूजते हैं पूरी प्रकृति को, और जिस तरह से आप प्रकृति को कभी खराब नहीं करते, हमेशा उसका देखभाल, उसका रखवाला करते हैं, ये समझाती थी। और मुझे लगता था उस समय जब मैं छोटी थी कि उनके दिल में आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। बड़ी हुई तो समझ में आई और भी बातें, और देखा कि दादी जी जो भी जब जब आदिवासी क्षेत्रों में जाती थी, जो भी आप लोग देते थे उन्हें, कोई एक टोकरा देता था, कोई कुछ हाथों से बना के आपकी हस्तकला से कुछ सुंदर सा बना के देता था, सारी चीजें वो अच्छी तरह से सजा के अपने घर में रखती थी। आज भी उनका घर एक म्यूजियम बना है। आज भी अगर उस घर में जाएं, तो आपको उनके कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी श्रद्धा थी उनके दिल में आपके लिए। तो उन्होंने बचपन में हमें ये सब चीजें सिखाई, लेकिन इसके साथ साथ ये जो उनकी श्रद्धा थी पूरे आदिवासी समाज के लिए, वो श्रद्धा कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भी आपको प्रकट होती है, वो दिखती है। तो इंदिरा जी ने जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको मजबूत तरह से दिया। जमीन के पट्टे और जंगल पे जो अधिकार हैं, उन्होंने ही मजबूत बनाए। आपका तो वैसे भी जो इतिहास है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए, पूरा देश का गौरव है। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव जी और तिलका मांझी जैसे महान नेता
यहीं से उभरे हैं। मैं उन सभी आदिवासी नायकों को प्रणाम करती हूं और आपका इतिहास जो है उससे प्रेरणा लेती हूं। हमारी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमेशा आपको मजबूत बनाने वाली नीतियां रही हैं। लेकिन आज जो देश में सरकार है भाजपा की, वो ठीक तरह से ना आपको पहचानती है और ना आपके लिए ठीक नीतियां बनाती है। आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है देश में। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे, उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता, फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। लेकिन आपका समाज, आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है, आप में इतना गर्व है, आप में इतनी शक्ति है कि आज देखिए कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं, शेरनी की तरह अभी आने वाली हैं, शेरनी की तरह सब मुसीबतों का सामना करते हुए वो उभर गई हैं और आगे आई हैं। आपके बीच हर जगह जाकर हेमंत जी की बात पहुंचा रही हैं और हमारे जो पूरे इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम हैं उनके बारे में बता रही हैं। मैं उनको अपनी छोटी बहन मानती हूं और नारी शक्ति की प्रतीक मानती हूं। जब जब मैं उनको देखती हूं मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है। सोचिए आज तक उन्होंने राजनीति नहीं की थी, आज तक बच्चों का देखभाल कर रही थी घर पे, अचानक उनके पति को जेल में डाला जाता है, घबराती नहीं है, हिम्मत नहीं हारती, घर पे बैठ के रोती नहीं है, उठ के अपने पति की लड़ाई, अपनी समाज की लड़ाई आगे बढ़ाती है और हिम्मत से लड़ रही हैं। तो आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए कि आपके आदिवासी समाज की शक्ति आज उनमें दिख रही है। देखिए आज देश के क्या हालात हैं। एक ऐसी सरकार है देश में जो आपका आदर नहीं करती है। इसका मिसाल यही है कि आपके मुख्यमंत्री जी को चुनाव से एकदम पहले उन्होंने जेल में डाल दिया है। लेकिन एक और बड़ा मिसाल है कि इनके नेता जगह जगह जाके ये कह रहे हैं कि अगर इनको पूरी बहुमत से जिताया जाएगा तो संविधान को बदल डालेंगे। इस संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, इस संविधान ने आपको अपने जंगलों पे, जल पे, जमीन पे हक दिया है, इस संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है और इस संविधान ने आपको आरक्षण दिया है। जब भाजपा के नेता इसको बदलने की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है, क्यों की है ये बात, इसको गहराई में समझने की जरूरत है। शुरू में इनके कुछ प्रत्याशियों ने ऐसा कह दिया अपने अपने सांसदीय क्षेत्र में या जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां से ऐसा कह दिया कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल डालेंगे। ऐसी बातें 9-10 जगहों से इन्होंने कही। उसके बाद इनको लगा कि इसको कहने से, इतनी खुली तरह से कहने से शायद नुकसान ना हो जाए, तो मोदी जी चुनाव के मंचों पर आकर मना करने लगे कि नहीं नहीं हम संविधान को नहीं बदलेंगे। लेकिन मोदी जी ने खुद ही इन लोगों को कहा होगा कि जाकर कहिए कि संविधान बदलेंगे,
क्योंकि मोदी जी की पार्टी में उनकी इजाजत के बिना इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। तो पहले इन्होंने भेजा लोगों को कि ये बात फैला दो, फिर डर लगने लग गया कि जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी क्योंकि इसमें आरक्षण की बात है, तो फिर बात पलटने लग गए। लेकिन हमने बहुत बार देखा है पिछले 10 सालों में कि जो जो बातें इन्होंने की हैं, इस तरह से जिनका शुरुआत इन्होंने किया है कि किसी से कहलवा दिया और पहले मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और फिर जब इनको बहुमत मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, तो वही काम करने निकलते हैं। तो हमें भरोसा नहीं है भाइयों और बहनों, इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। इनकी बातें आज बहुत हल्की हो चुकी हैं। अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये संविधान को बदल डालेंगे, ये आपके आरक्षणों को कमजोर करेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। क्योंकि 10 सालों में इन्होंने लोकतंत्र को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश की है। कैसे? इन्होंने संसद को कमजोर किया। जहां पहले जब कानून बनते थे तो सबकी चर्चा होती थी, विपक्ष के दल के साथ चर्चा होती थी, बहस होती थी, वो सारे तमाम बहस बंद कर दिए। इन्होंने अपने पूरे विपक्ष पर बहुत जोरदार आक्रमण किया। यहाँ आपने देखा हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, उन पे मुकदमे डाल दिए, राहुल गांधी जी पे कई प्रदेशों में अलग अलग मुकदमे डाले गए, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनको अपने घर से भी निकाल दिया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी जेल में डाल दिया गया, उन पर भी मुकदमे डाले गए, और कांग्रेस पार्टी के खातों को भी बंद कर दिया। इसके साथ साथ न्यायपालिकों पर भी आक्रमण किया, उनको कमजोर करने का काम किया। और आज जितनी भी देश की मीडिया, टीवी के चैनल आप देखते हैं, उन सब को इनके खरबपति मित्रों ने खरीद डाला है। तो आज इस देश में लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए सिर्फ जनता है और कुछ विपक्ष के नेता हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ भी हो जाएगा हम इनको संविधान बदलने नहीं देंगे, आपके आरक्षणों को कमजोर नहीं होने देंगे, आपके अधिकारों को कमजोर नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक हमारे सारे नेताओं ने आपको मजबूत करने का काम किया है, आपकी संस्कृति को बचाने की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कल्पना जी आ गई हैं। जल, जंगल और जमीन पर जो आपके अधिकार हैं, उनकी रक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आ जाइए। मैं इनको अपनी छोटी बहन मानती हूं। सब नेताओं से मुझे सबसे ज्यादा पसंद कल्पना जी हैं। मैं कह रही थी कि जो जल, जंगल और जमीन पर आपके अधिकार हैं, इनको बचाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। आज भाजपा के नेताओं और इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों की नजर आप ही के जल, जंगल, जमीन पे है। एसपीटी और सीएनटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की इच्छा है। आपने खुद यहां देखा कि आपकी जमीन, आपका पानी प्रधानमंत्री जी के बड़े खरबपति मित्र अडानी जी को दे दिए गए, और आपको ना नौकरी मिली उन कारखानों से और ना बिजली मिलती है। सारी बिजली विदेश जाती है, आपको नहीं मिलती। ये है भाजपा की नीतियां। आज इन्होंने
पूरे देश के विपक्ष पे हमला किया हुआ है, पूरी देश की मीडिया पे कब्जा किया हुआ है ताकि आपको इनकी सच्चाई ना पता चले। इनकी सच्चाई क्या है? इनकी सच्चाई ये है कि पूरे देश में जितनी भी इनकी नीतियां हैं सब इनके बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। जिस तरह से यहाँ पे से आपकी जमीनें ली, आपको मुआवजा ठीक ढंग से नहीं दिया, यहाँ पे बड़े बड़े खरबपतियों का खूब फायदा हुआ लेकिन आपका फायदा नहीं हुआ, इस तरह से पूरे देश में कर रहे हैं। देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह सारे अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिए गए हैं। ये लोग कर्ज माफ करते हैं अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं इन्होंने सिर्फ 22-23 बड़े बड़े खरबपतियों के, और देश के किसान का एक रुपया माफ नहीं किया। आज देश का गरीब, देश का किसान, देश की पूरी मिडिल क्लास महंगाई से जूझ रही है। आज किसान खेती करने जाता है तो खेती के हर सामान पे जीएसटी लगता है, हर सामान महंगा हो गया है, खेती से कमाई नहीं हो पाती, कर्ज लेना पड़ता है, नुकसान होता है, बारिश आती है ओले पड़ते हैं, बाढ़ आती है तो मुआवजा तक समय पे नहीं मिलता, आपकी उपज का सही दाम भी नहीं मिलता। ये परिस्थितियां बन गई हैं कि तमाम देश में तमाम किसान कर्ज लेकर न चुकाने पाने से आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं नहीं कर पाते। आज किसान को अपनी बेटी की शादी करानी हो, अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कर्ज लेना पड़ता है। खेती में नुकसान हो गया तो नई खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, खाद समय पे नहीं मिलता, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, हर चीज महंगाई से दबी हुई है, कमाना मुश्किल हो गया है। इसी तरह से मेरी बहनें आज दुकान जाती हैं तो आधी चीजें खरीद नहीं पाती, घर पे कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है किसी वजह से, 2-3 दिहाड़ियां नहीं मिलती तो कोई भूखा रह जाता है घर पे। और आदिवासी समाज के लिए तो और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है, आप इसका सामना कर नहीं पा रहे हैं, अगले दिन को किस तरह से आप निकालेंगे, किस तरह से आप अपने जीवन का सामना करेंगे, इसके बारे में मोदी जी और उनके बड़े बड़े नेताओं को कुछ नहीं मालूम। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के हैं, दिल्ली में ही रहते हैं हमेशा पूरे समय, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। दिल्ली में एक बड़ा होटल है, ताज होटल, उसी के चेंबर में रहते हैं हमेशा, वहीं पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े खरबपतियों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन यहां आपके बीच नहीं आते, ये आप जानते हैं। देखिए, जो जनता से कट चुका है वो जनता का भला नहीं कर सकता। आज मोदी जी भी और यहाँ के प्रत्याशी भी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो जनता से कट गए हैं, उन सब का अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, आपके बीच आते नहीं हैं। मोदी जी का अपना संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसमें एक गांव के अंदर नहीं जाते, एक बार जनता से नहीं मिलते, और यहाँ आपके प्रत्याशी किसी के गांव में नहीं जाते, कभी पूछते नहीं कि आपका जीवन कैसे गुजर रहा है, किसी के घर में जाकर ये पूछना कि महंगाई का सामना कैसे कर रहे हो, आज ये गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है इसको कैसे खरीद रहे हो,
कितने संघर्ष हैं आपके, कितनी मुसीबतें हैं, ये कोई पूछता नहीं है। आज पूरे देश में ना किसानों की सुनवाई है, ना नौजवानों की सुनवाई है, ना मजदूरों की सुनवाई है। मजदूरों का शोषण हो रहा है, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है, भयंकर बेरोजगारी है देश में। मोदी जी के 10 सालों के राज में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ नौजवान आज हमारे देश में बेरोजगार है। आप बताइए, जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं हाथ उठाइए, सब शिक्षित हो कि नहीं, पढ़ाई लिखाई की है? सारे शिक्षित हो, क्योंकि आज कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे जितना भी पिछड़ा जितना भी गरीब ना हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है। लोग कर्ज लेंगे, कर्ज उठाएंगे, मेहनत करेंगे, दो दो तीन तीन परिवार के सदस्य काम करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो आज तमाम जनता शिक्षित है, किसी ने बीटेक की है, किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी की है, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि जहां जहां से रोजगार बनते थे वो सारे साधन मोदी जी की नीतियों से खत्म होने जा रहे हैं। आपने खुद ही देखा, यहां अडानी जी आए, आपकी जमीन ली, आपको रोजगार मिला? आपको रोजगार नहीं मिला। जो जो बड़े बड़े सरकारी कारखाने थे जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलता था, वो तमाम अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को सौंप दिए हैं इन्होंने। उनकी जितनी भी सब्सिडरीज है उनको दे दिया है खरबपतियों को। जैसे मैंने आपको कहा, सारे बंदरगाह खदान सब इन बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए हैं। रोजगार कहां से आएगा? खेती किसानी से आता था, आज खेती किसानी में खुद कमा नहीं पा रहा है कोई, तो रोजगार क्या देगा? एक समय में छोटे कारोबारों से भी आता था, जो आप अपना बिजनेस शुरू करते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कोई छोटी मोटी दुकान या कोई अपना छोटा कारोबार। लेकिन नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते, छोटे बिजनेस के लोगों की पूरी तरह से इन्होंने कमर तोड़ दी। तो छोटे बिजनेस भी कमा नहीं पाते, तो वो भी रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं। और जहां तक इनकी रोजगार की स्कीम है, तो ये अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। आप सब मेहनत करते थे, यहाँ के नौजवान, कि हम सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए शहीद होने की इच्छा थी, लेकिन अपने माँ बाप का देखभाल, अपने परिवार की परवरिश, अपने परिवार के लिए एक स्थायी रोजगार लेने की भी इच्छा थी। आप सब ने परिश्रम किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया? अग्निवीर ले आए, बोला कि 4 साल बाद सेना में भर्ती हो जाओ, 4 साल बाद घर आ जाओ, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। तो आज नौजवान सोचता है कि मैं क्यों करूं इतना परिश्रम, जब 4 साल बाद घर लौट जाऊंगा फिर से मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, कोई स्थायी नौकरी नहीं, कल को मैं शहीद भी हो गया तो मुझे पूरी तरह से शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को देखिए, आज पुराना पेंशन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में मिल रहा है। जहां जहां भाजपा है वहां पुराना पेंशन नहीं मिलता, नया पेंशन है। तो लोग सालों के लिए आजीवन सरकारी नौकरी करते हैं, ये सोच के कि जब हम बुढ़े होंगे, जब हम रिटायर होंगे, तो कोई साधन होगा, हमें थोड़े थोड़े पैसे हर महीने मिलेंगे। आज उन पैसों पर भी आपका अधिकार खत्म कर दिया है। तो इस सरकार ने पूरी तरह से जनता को कमजोर करने का काम किया है। ऐसी ऐसी नीतियां लाए हैं जिनसे आपकी कमर टूट रही है, जिनसे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और आपकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी आपको ये गारंटी दे रही है कि किसानों के लिए
हम कर्ज माफ के लिए एक माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे। जब जब आपको कर्ज का संकट होगा आप उस आयोग से राहत मांग सकेंगे। आपके खेतों पर जब नुकसान होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका पूरा मुआवजा आपको मिलेगा, भुगतान आपको मिलेगा। खेती के सारे सामानों से GST को हटाया जाएगा, उनको सस्ता किया जाएगा। आज आपको सही दाम नहीं मिलता उपज का, हम आपको सही दाम दिलवाएंगे, ये कानून बनाएंगे। ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि आपको उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना है। और जो आपकी यहाँ की उपज है, जो आपकी कुछ ऐसी उपज है जो यहाँ आपके जंगल के इलाकों में होती है, उन उपजों के लिए भी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएंगे। SC ST का सब प्लान हम लागू करेंगे और जितने इन्होंने संशोधन किए हैं उन संशोधनों को हम ठीक करेंगे। और जिस तरह से आप इन्होंने आपके समुदाय आपके समाज पर लगातार आक्रमण किया है उस आक्रमण को हम रोकेंगे। आज पूरे देश भर में श्रमिकों का शोषण होता है, हम एक कानून लाएंगे कि पूरे देश भर में प्रतिदिन 400 रुपए से कम मजदूरी नहीं दे पाएगा कोई, कोई भी ठेकेदार हो वो इससे कम मजदूरी नहीं दे पाएगा। जैसे हमने गांव में मनरेगा लागू किया था, आपको मालूम होगा कि गांव में मनरेगा लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। ये 100 दिन का जो रोजगार का आपको अधिकार मिला हर गांव में, ये कांग्रेस अधिकार लाई आपके लिए। इसी तरह से हम शहरों में भी मनरेगा लाएंगे कि शहरों में भी 100 दिन का आपको अधिकार होगा कि आपको रोजगार मिलना ही मिलना है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने मनरेगा के खिलाफ संसद में भाषण दिया था, वो मनरेगा को बंद करना चाह रहे थे। फिर पता चला कि जनता को ये बात ठीक नहीं लगेगी, तो इन्होंने आस्ते आस्ते अपने पूरे कार्यकाल में मनरेगा को कमजोर बनाया है। कांग्रेस के जमाने में आपको मनरेगा के पूरे पैसे मिलते थे, आजकल आपको नहीं मिलते क्योंकि इन्होंने अपने मनरेगा में अपनी राशि डालना कम कर दिया है। हम पूरी राशि डालेंगे, उसको बढ़ाएंगे ताकि मनरेगा जैसे कार्यक्रम जिससे आपको शक्ति मिलती है, जिससे गांव मजबूत होता है, वो मजबूत हो। इसके साथ साथ 25 लाख की हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। 25 लाख रुपए तक गरीब परिवारों के लिए सारा इलाज मुफ्त होगा। इसका मतलब है कि कैंसर का ट्रीटमेंट, हार्ट के ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी तक आप मुफ्त में करा पाएंगे। ये काम हमने राजस्थान में जब हमारी सरकार थी करा के दिखाया। हमने जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां ऐसे ऐसे काम किए हैं। आज कर्नाटका में, तेलंगाना में मेरी बहनों के खातों में 2,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार डाल रही है। इसी तरह से देश भर में हम ये करेंगे कि जो गरीब परिवार है उनमें जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हम 8,500 रुपए हर महीने डलवाएंगे। इससे 1,00,000 रुपए हर साल हर गरीब परिवार में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट सरकार की तरफ से, ताकि आप महंगाई का सामना कर पाए। महिलाओं को 50% सारी जो सरकारी रोजगार है महिलाओं को मिलेंगे। इसके साथ साथ आशा बहुएं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वाली बहनों का हम बांधने बढ़ाएंगे।
मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े हो, मैंने कहा आप सब शिक्षित हो, आप सब शिक्षित हो लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलता। हम एक स्कीम लाना चाहते हैं जिससे जो जो नौजवान स्नातक पास है उसको एक अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में डाला जाएगा, जिससे बड़े बड़े सरकारी कारखानों में उसको 1,00,000 रुपए सालाना नौकरी मिल जाएगी, की नौकरी मिल जाएगी। उस नौकरी से उसका हुनर बढ़ेगा और वो 1,00,000 रुपए कमा पाएगा और कमाते कमाते वो सीखेगा भी, ताकि बाद में उसको एक स्थायी नौकरी मिल पाए। ये हमारी गारंटी है आपके लिए। हम पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून लाएंगे, क्योंकि आजकल आप त्रस्त हैं, आप पेपर देते हैं, पेपर लीक होता है, आपकी नौकरी नहीं, नियुक्ति नहीं होती, आपके रिजल्ट नहीं आते, आप ठहरते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है, जवानी निकल जाती है, लेकिन पेपर बार बार देना पड़ता है, नौकरियां नहीं मिलती। इसीलिए पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून लाएंगे, जिससे जो जो अधिकारी पेपर लीक करने की कोशिश करे या मदद करे या कोई घोटाला करे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज मोदी जी की सरकार में 30,00,000 रोजगार खाली हैं, पद खाली हैं, उन्होंने भरे नहीं हैं। हमारी गारंटी है कि हमारी सरकार के आते ही हम ये 30,00,000 के 30,00,000 पद भरेंगे, आपको ये रोजगार मिलेंगे। हमारी सबसे बड़ी नीति यही है कि हम देश की जो संपत्ति है वो वापस आपके हाथों में, आपके जेबों में डालना चाहते हैं। आज जो काम मोदी जी ने किया है कि देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को मिल रही है, और देश का जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो पिस रहा है इनकी नीतियों से, इसको हम बंद करेंगे। ये उनका जो काम है, जो इन्होंने शुरू किया है, जिसका आपके सामने प्रचार नहीं होता, क्योंकि पूरी टीवी के जो जितने भी चैनल हैं सिर्फ ये प्रचार कर रहे हैं कि देश बहुत आगे बढ़ गया है मोदी जी के राज में, 10 सालों में मोदी जी ने जाने क्या क्या कर डाला कि देश इतना आगे बढ़ गया है, जो 70 सालों में नहीं किया वो मोदी जी ने 10 सालों में किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ये प्रचार जो आप हर रोज टीवी पे देखते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स पे देखते हैं, अगर ये सच्चाई है, तो ये सच्चाई आपके जीवन में क्यों नहीं दिख रही? ये 140 करोड़ भारत की जनता के जीवन में ये सच्चाई आज तक उतरी क्यों नहीं है? आज तक आप बेरोजगार क्यों हैं? बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? महंगाई इतनी बड़ी क्यों है? आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? आपको खेती से आपकी कमाई क्यों नहीं हो रही है? अगर ये सारी बातें सच हैं जो मोदी जी और इनके बड़े बड़े भाजपा के नेता आपको बताते हैं, तो ये सच्चाई आपके जीवन में दिखनी चाहिए कि नहीं? दिखनी चाहिए ना। तो आपके जीवन में सबसे पहले तरक्की आनी चाहिए। आपको आप तो देश की जनता है, लेकिन आपके जीवन में तरक्की आ नहीं रही है। उधर अडानी जी, अंबानी जी और सारे खरबपतियों के जीवन में तरक्की ही तरक्की आ रही है। इनके हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं और हजारों लाखों करोड़ सरकार इनको दे रही है और इनसे कमवा रही है। आपके यहां 1,000, 2,000, 5,000 रुपए कमाना मुश्किल हो गया है, घर में बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है। आज ये परिस्थितियां हैं और इनकी ये हिम्मत भाजपा के नेताओं की और देश के प्रधानमंत्री की कि आपके सामने आकर कहते हैं कि सारे नेता भ्रष्ट है, सिर्फ यही ईमानदार है। आपके मुख्यमंत्री को चुनाव के समय जेल में डाल देते हैं और आपके सामने आकर ऐसा कहते हैं कि खुद ईमानदार हैं। अगर खुद इतने ईमानदार होते तो क्या देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे देते?
अगर इतने ईमानदार हैं तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम क्या ले आए ये, जिससे इन्होंने तय किया पहली बार देश के इतिहास में कि जो भी राजनीतिक दलों को चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। ये ईमानदार लोग करते हैं। अरे अगर आप ईमानदार हैं, आपको किसी से चंदा लेना है, सबके सामने लेंगे कि छुप के अपने कमरे में बंद लेंगे? सबके सामने लेंगे ना, कि आप कह देंगे कि भाई ये लिस्ट जो है गुप्त होनी चाहिए। तो मोदी जी ने ये गुप्त वाली स्कीम क्यों बनाई? क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। सच्चाई ये है कि मोदी जी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के द्वारा ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया है जिन पे मोदी जी ने छापा लगवाया था, उन पे छापा लगवाया, चंदा लिया, छापे बंद, उन पे मुकदमे लगाए, चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में। समझ रहे हैं? किस किस से चंदा लिया? गुजरात में मोरबी का जो पुल बना, जो बह गया, 100-100 लोग उसमें बह गए पानी में, उस पुल बनाने वाले से गुप्त लिस्ट में मोदी जी ने चंदा लिया। आप सबको वैक्सीन लगी, टीका लगा? हाथ ऊपर करो, किस किस को टीका लगा? मुझे भी लगा, लगाना नहीं चाह रही थी मैं, लेकिन लगा, दो दो बार लगा। आपको भी दो दो बार लगा? चार बार लगा लिए, वाह वाह, बहुत अच्छे। चार बार टीका लगाए आप, आज पता चल रहा है कि उस टीके में कुछ ऐसी चीज है जिससे कई लोगों का रिएक्शन हो जाता है। कई नौजवान लोग जो बिल्कुल सेहतमंद थे ऐसे ही गिर के मर गए। कोई जिम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, ऐसे ही वहीं के वहीं। और 15 लोगों ने विदेश में मुकदमा लगाया वैक्सीन की कंपनी पे। आज अगर आप वैक्सीन मार्केट में ढूंढे तो नहीं मिलेगी। और याद है जो मोदी जी का चेहरा था उस प्रमाण पत्र पे, वैक्सीन के प्रमाण पत्र पे, याद है? था, मेरे पे भी था। अब वो चेहरा नहीं दिखेगा प्रमाण पत्र पे, क्योंकि मोदी जी ने उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। तो मोदी जी की ईमानदारी और भाजपा की ईमानदारी को गहराई से समझ लीजिए बहनों और भाइयों। इनकी जिम्मेदारी, इनकी ईमानदारी, इनकी सारी नीतियां सिर्फ अपने बड़े खरबपति मित्रों के प्रति है, आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको टीके पे टीके लगवा लेंगे, उनसे टीके बनाने वालों से चंदा भी ले लेंगे, आपके प्रति उनको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। गहराई से समझ लीजिए और ये तय करिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए। आपको ऐसी सरकार चाहिए जिसकी नीतियां आपकी भलाई के लिए हो, जो इस लोकतंत्र को, इस संविधान को मजबूत करने वाली हो, या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपको कमजोर करे, लोकतंत्र को कमजोर करे, संविधान से आपके आरक्षण भी कम करे? क्या चाहते हैं आप? आज यहां हमारे प्रत्याशी श्री प्रदीप यादव जी हैं। आपके अपने हैं, आपके अपने हैं, और कांग्रेस की इनमें विचारधारा है, ये जाति धर्म से ऊपर है। इनकी विचारधारा सबको एक मानती है, गरीबों को, किसानों को, ये सर्वोपरि मानते हैं। इन्होंने दिन रात आपकी सेवा की। आप ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं कि वो ताज होटल वाले, भाजपा के प्रत्याशी,
जो वहां ज्यादा दिखेंगे यहां कम दिखेंगे। आप अपने प्रत्याशी चाहते हैं अपने क्षेत्र के कि बाहरी क्षेत्र के, ये तय कर लीजिए। इन्होंने बाबा वैद्यनाथ की सदियों से सेवा की है, सदियों से आप सबने सेवा की है इस क्षेत्र में, और ये भक्त हैं उनके, यहाँ के जो पुजारी हैं जिन्होंने सेवा की है सदियों से, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और उनसे मेरा निवेदन है कि प्रदीप जी बाबा के सेवक हैं, ये भी जनता के सेवक हैं, आपके सेवक हैं, इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। ये आपको निराश नहीं करेंगे। तो मैं आपसे भी और बाबा वैद्यनाथ जी के पुजारियों से भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना आशीर्वाद प्रदीप जी को देंगे। मुझे बहुत खुशी है आज कि हमारे वरिष्ठ नेता फुरकान जी अंसारी जी और उनके बेटे इरफान अंसारी जी जैसे हमारे जो नेता हैं, वो भी पूरी शक्ति से इस चुनाव में काम कर रहे हैं। हमारी युवा नेत्री दीपिका पांडे जी भी, जिन्होंने मेरे साथ हिमाचल में काम किया और उत्तराखंड में भी काम किया, वो भी लगी हुई है इस चुनाव में। पूरी जो कांग्रेस पार्टी है पूरी इस चुनाव में जी जान से लगी है ताकि आपके प्रत्याशी जीते और यहां से भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी हो, कांग्रेस की देश में सरकार आए, ताकि हम ये सारी स्कीमें, ये सारी गारंटी आपके लिए लागू करें। आप जब यहाँ का चुनाव होगा तो आप ईवीएम पर जब हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे तो याद रखिए कि आप हेमंत सोरेन जी की रिहाई का रास्ता भी खोल रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जिससे आप पर आपको गर्व होगा, आपको गर्व होगा कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो आपके लिए दिन रात काम करके आपकी सेवा करके आपको दिखाएगी। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।